हाय गाइस, आज के वीडियो में शेयर करने वाली हूँ अपना नॉर्मल ऑनेस्ट एंड रियल स्किन केयर रूटीन। ऐसा नहीं कि मैं दिखावे के चक्कर में खूब सारे प्रोडक्ट लेके आ जाऊंगी और अपना स्किन केयर बताऊंगी वीडियो के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अदरवाइज हम क्या करते हैं ना, नॉर्मल सेलिब्रिटीज को देख के, इन्फ्लुएंसर को देख के, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे देख के खूब सारे प्रोडक्ट मंगवा लेते हैं एंड अपना स्किन केयर स्टार्ट करते हैं, सोचते हैं कि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग है तो हमारी स्किन उतनी ग्लोइंग हो जाएगी। बट ऐसा नहीं है, जितने प्रोडक्ट हम यूज़ करेंगे हमारी स्किन उतनी ही खराब होते चले जाएगी, पिंपल्स, एक्ने, खूब सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। उतना ही स्किन केयर करना चाहिए जितने कि हमारी स्किन को नीड हो, उससे एक्स्ट्रा में नहीं करना चाहिए। लोगों को देख के अपने प्रोडक्ट कभी भी चेंज नहीं करना चाहिए, यू नो, अपने स्किन केयर के प्रोडक्ट तो बिल्कुल भी चेंज नहीं करना चाहिए। मैं ये ऐसा भी नहीं कहूँगी कि जितने प्रोडक्ट आज बताने वाली हूँ उतने आप यूज़ करो, नहीं। अगर आपको बढ़िया लगे तो आप यूज़ करो, अदरवाइज यूज़ मत करो। आप जितने पहले टाइम से, यू नो, स्टार्टिंग से जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, आपको लगता है कि आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है, तो हमें वही प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए, किसी को देख के चेंज नहीं करना चाहिए। सो सबसे पहला स्किन केयर तो पानी है। हमें समर में खूब सारा, समर क्या, समर विंटर पूरे साल खूब सारा पानी पीना चाहिए, जिससे कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग रहे, हेल्दी रहे। हम क्या करते हैं ना, काम के चक्कर में, काम भाग दौड़ में पानी पीना भूल जाते हैं। मैं क्या करती हूँ ना, खूब सारा पानी एक वाटर बॉटल में भर के रखती हूँ, अपने पास रखती हूँ, मैं पानी भर के रखती हूँ एंड दिन भर याद रख रख के पानी पीती हूँ। ऐसा हम 10 दिन भी अगर याद रख रख के पानी पीना स्टार्ट कर देंगे ना, तो माँ हमें पानी पीने की आदत पड़ जाएगी एंड फिर हमें लगेगा कि हाँ, हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा फर्क है, वो स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हेल्दी हो गई। एंड ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट यूज़ करने से हमारी स्किन केयर होता है, हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, हेल्दी फ्रूट्स खाने चाहिए एंड छाछ, दही, पानी जो बताया, ये सब अगर अपनी डाइट में यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपकी स्किन वैसे ही बहुत ज़्यादा ग्लोइंग, ब्राइट एंड हेल्दी हो जाएगी। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स स्टार्ट। सो मॉर्निंग में उठने के बाद डायरेक्ट कभी भी अपने फेस पे, मैं कभी फेस वॉश यूज़ नहीं करती हूँ, ना ही कोई मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ। मैं नॉर्मल ठंडे पानी से अपने फेस को वॉश करती हूँ एंड देन मैं यूज़ करती हूँ बादाम का तेल, आमंड ऑयल, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है हमारी स्किन के लिए, हमारी आइज़ के लिए। मैं इसको लगाने के बाद काफ़ी टाइम तक अपनी आइज़ पर इस तरीके से मसाज करती हूँ। ये विटामिन सी की बॉटल, जिसको मैंने पूरी तरीके से क्लीन करके, आलमंड का ऑयल है जो कि इसके अंदर भर लिया है, इसको लगाना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। अदरवाइज़ उस बॉटल से लगाना बहुत ज़्यादा हार्ड था मेरे लिए, सो मैंने इसके अंदर डाली है। एंड जब से मैंने आलमंड ऑयल सुबह उठने के बाद लगाना शुरू किया है, तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी रहना शुरू हो गई, मुझे खुद को मालूम। एंड फेस वॉश हमेशा मैं शावर लेने के बाद करती हूँ। अपने लिप्स पर भी अप्लाई करती हूँ, जो कि अच्छा है हमारी लिप्स के लिए, हमारी आईज के लिए। एंड 2 से 3 मिनट तक अपनी आईज को इस तरीके से मसाज करती हूँ, जिससे कि हमारी आईज भी बहुत ज्यादा हेल्दी रहे। सेकेंड स्टेप, शावर लेने से 1 घंटे पहले मैं अपने फेस पर मुल्तानी मिट्टी का फेस मास्क अप्लाई करती हूँ, जो कि मेरी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड मुझे बहुत ज़्यादा फ्रेश फील होता है। एंड समर में हमें फेस मास्क जरूर अप्लाई करना चाहिए, प्लस में मुल्तानी मिट्टी का, जो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा, यू नो ठंडक देता है, हमारे पिम्पल्स को कंट्रोल करता है, ऑयल को कंट्रोल करता है। सो आई यूज़ दिस फेस मास्क, मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, नॉर्मली मुल्तानी मिट्टी 1 चम्मच के करीबन मुल्तानी मिट्टी ऐड करिए एंड थोड़ा सा पानी में, कोई भी इसमें नींबू, दही या फिर रोज़ वाटर नहीं ऐड करती हूँ, उनको सुबह सुबह यूज़ करना है तो मैं नॉर्मली इसको बना लेती हूँ डायरेक्ट ऐसे। एंड फेस में मास्क अप्लाई करने के बाद अगर थोड़ा सा बच जाए तो अपने नेक पर भी अप्लाई कर लेती हूँ। ऐसा नहीं कि रेगुलर मैं अपने नेक पर अप्लाई करती हूँ, बट कभी कभार एक्स्ट्रा बन जाए, एक्स्ट्रा आज की तरह बच जाए, तो अपने नेक पर भी अप्लाई कर लेती हूँ। फेस पे को कभी मैं पूरा ड्राई होने के लिए कभी भी नहीं छोड़ती, बिकॉज पूरा ड्राई होने पर क्या होगा ना, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी एंड टाइट होने पर हमारे फेस पर रिंकल्स भी पड़ सकते हैं। हल्का हल्का, यू नो, हल्का अगर ड्राई होने लगेगा तब मैं इसको रिमूव कर लूँगी, सो वेट करते हैं। तो मेरा फेस अब लगभग नॉर्मली ड्राई होने लग गया है, मुझे लग रहा है प्रॉपरली पूरा ड्राई होने के लिए कभी नहीं छोड़ती फेस में होता है। तो ये मैंने मेशो से मंगवाया था, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है, मेकअप रिमूवर है, बट मैं इसको एज ए, यू नो, मास्क को उतारने के लिए यूज़ लेती हूँ। इसको अच्छी तरीके से रिमूव कर लेती हूँ, फिर अपने फेस को वॉश करती हूँ, जिससे कि जो भी है मेरे फेस में
सॉरी आईज के अंदर मुल्तानी मिट्टी ना चली जाए। मैं अपने फेस को क्लीन कर कहती हूँ, सो वेट फॉर मिनट। तो अब मैंने अपनी पूरी मुल्तानी मिट्टी को क्लीन कर लिया है एंड शावर कर लिया है। जैसे कि मैंने बताया था, शावर करने के बाद में जो भी स्किन केयर है, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर वगैरह वगैरह जो भी है, सारा का सारा करती हूँ। शावर लेने से बिफोर मैं जो भी स्किन केयर करती हूँ, जो कि मैंने बता दिया है, एंड शावर लेने के आफ्टर मैं जो भी करती हूँ, जो कि ये रहा। फर्स्ट स्टेप इज फेस वॉश। मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ माय प्योरीफाई न्यू फेस वॉश, जो कि बहुत ज्यादा बढ़िया है। जब भी मैंने टीन एज के बाद फेस वॉश अप्लाई करना स्टार्ट करा है, तो तभी से मैं यही फेस वॉश यूज कर रही हूँ। सो आफ्टर शावर फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है फेस वॉश वाला, एंड सेकेंड स्टेप इज टोनर, जो कि मेरा फेवरेट टोनर है, रोज वाटर टोनर। काफी टाइम से यही यूज कर रही हूँ, एंड रोज आपको पता है कि हमारी स्किन के लिए कितना ज्यादा बढ़िया होता है, हमारी स्किन के लिए, लिप्स के लिए वगैरह 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 जो भी हो। एंड टोनर लगाने के बाद हमें अपनी स्किन को अच्छी तरीके से इस तरीके से मसाज भी करना चाहिए। इसको यूज करने के बाद मुझे एक्स्ट्रा फ्रेश फील होता है, एंड इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ देती हूँ, जिससे कि मेरी स्किन में अच्छी तरीके से ऑब्जर्व हो जाए। सेकंड स्टेप इज सनस्क्रीन। मैंने फेस वॉश करने के बाद मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो गई है, एंड प्लस में मेरी स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई, एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा ड्राई है। सो आई यूजिंग करी हूँ गार्नियर की विटामिन सी सीरम। हमें सीरम डेली यूज में यूज करना चाहिए, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब लगभग लोग नाइट में यूज़ करते हैं, बट मुझे मॉर्निंग में यूज़ करना अच्छा लगता है, बिकॉज मुझे फ्रेश फील होता है, अच्छा फील होता है। सो नेक्स्ट स्टेप इज मॉइस्चराइजर। ये मेरा फेवरेट मॉइस्चराइजर है, लेकमे का पीच मिल्क, जो कि बहुत ज्यादा क्रीमी है, सॉफ्ट है एंड ग्लोइंग है। एंड मॉर्निंग में मैं हमेशा एक्स्ट्रा यू नो मॉइस्चराइजर अप्लाई करती हूँ, बिकॉज मेरी स्किन जैसे मैंने बताया बहुत ज्यादा ड्राई है, सो उसके लिए अप्लाई करती हूँ, एंड पूरे दिन मेरी स्किन बहुत ज्यादा नरिश रहे, सॉफ्ट रहे, ग्लोइंग रहे इसके लिए। एंड उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ सनस्क्रीन। इसे तो हम अवॉइड कर ही नहीं सकते, हमें सनस्क्रीन हमेशा डेली यूज में यूज़ करना चाहिए। हम क्या सोचते हैं कि हमें धूप में तो जाना नहीं है, सनस्क्रीन यूज़ करने से क्या फ़ायदा, बट ऐसा नहीं है। सनस्क्रीन केवल हमें धूप के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, हमारी स्किन पे जो यूवी लाइट्स है उसकी वजह से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। एंड यूवी लाइट्स कहीं से भी आ सकती है, जिसकी लाइट्स में भी, मोबाइल में भी, लैपटॉप में, सभी में यूवी लाइट्स होती है। सो आई एंड जब भी सनस्क्रीन आप अप्लाई करो या फिर परचेज करो, जो अभी करंट में सनस्क्रीन यूज़ नहीं करते हैं, जो नई नई सनस्क्रीन यूज़ करना स्टार्ट करा है, तो याद रखिए जब भी आप सनस्क्रीन यूज़ करो तो देख लेना उसका SPF 50+ हो, बिकॉज 50+ सनस्क्रीन होगी तो वो हमारे स्किन को ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगी। हमारी स्किन यूज़ कर रही हूँ एक्वालॉजी की ग्लो एंड डेवी सनस्क्रीन, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया है। पहले मैं यूज़ करती थी लैक्मे की सनस्क्रीन, बट मैंने ये यूज़ करना स्टार्ट करा है, तो मैं तभी से यही यूज़ कर रही हूँ। एंड अभी सनस्क्रीन यूज करो तो हमें अपने 2 फिंगर्स पे इस तरीके से सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद इस तरीके से 2 फिंगर्स में लेके हमें सनस्क्रीन अप्लाई करनी चाहिए। फिर मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ
टिंटेड लिप बाम जो कि मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट है, बहुत ज्यादा बढ़िया लगती है मुझे। एंड स्किन केयर कर लेने के बाद मैं हमेशा यूज करती हूँ कोकोनट ऑयल। सो अगर आपको मेरा ये रियल ऑनेस्ट एंड नॉर्मल स्किन केयर पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।